इमरान खान जिंदाबाद, वोट इमरान खान का। खान जब से तू आया जिंदगी में रोना ही रोना है। नवाज शरीफ आएगा तकदीर बदलेगी इंसान की। जब आएगा नवाज शरीफ तो खाएंगे सारे राज के। जो गैरतमंद है वो वोट इमरान खान का है। वोट किसको डालने जा रहे हैं? शेर, उनकी वजह से कारोबार, जब भी वो आते हैं कारोबार उनके बेहतर होते हैं हमारे लिए। 30 साल से नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं। वोट किसको डाल? नॉन लीग को। सर वोट किसका? मियां नवाज शरीफ साहब। मियां साहब के दौर में ना महंगाई नहीं थी, घर में बैठ के सब अच्छा खा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मरियम इकराम और नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं NA 130 में और ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हलका है, इनका आबाई हलका है और नवाज शरीफ के यहाँ से नाम कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं। यहाँ की आवाम से जानते हैं कि वोट किसको डालने जा रहे हैं 8 फरवरी को, नून को या जनून को, आइए जानते हैं। वोट किसको डाल रहे हैं? वोट नवाज शरीफ को। क्यों? नवाज शरीफ ने काम ही बहुत ज्यादा किए हैं पाकिस्तान में। गिनवाए क्यों? ये पुल बनाए है, और ट्रेन बनाई है, अब मेट्रो बनाई है और बहुत गांव में देहातों में काम, शहबाज शरीफ ने सड़कें बनाई हैं। जो काम है ना वो तो बोलते हैं नवाज शरीफ के, कि उन्होंने 20 रुपए में मेट्रो चलाई है, 30 रुपए में स्पीडो और ट्रेन चलाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको डाल? वोट सिर्फ इमरान खान का। वो एक सच्चा और बेहतरीन लीडर है, आलमी लीडर है। वो जेल में भी बैठे है, वो कल भी हीरो था आज भी हीरो है। इमरान खान जिंदाबाद, वोट इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको डालने जा रहे हैं? शेर। क्यों? उनकी वजह से कारोबार, जब भी वो आते हैं कारोबार उनके बेहतर होते हैं हमारे लिए। लकी हैं आपके लिए? हमारे लिए तो लकी हैं, क्योंकि हम ऐसा क्यों है? हमने तो यही चीज़ देखी है कि आवाम को कारोबार होना चाहिए, हमें शेयर या PTI से नहीं, लेकिन ये शेयर आता है तो कारोबार वसी होते हैं। मैं लाइक कैसे वसी हो जाते हैं कि नवाज शरीफ आए और वसी हो? लग समझ लें यहाँ वो कारोबार करना जानते हैं, वो हमें रिलीफ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह। वोट किन पान जा रहे हो? नवाज शरीफ है वो सही है। क्यों? उसने काम किए हैं, सारा कुछ किया है। नहीं, क्या क्या किया नवाज शरीफ ने बताया तो? बनाई है मेट्रो, बनाई है सारा कुछ किया। और क्या काम है? ये लोग कहते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है। कौन कहता है? वो कहते होंगे, हर एक का अपना माइंड है। आपको मौका मिले किसी और को वोट डालने का तो किसको डाले? हम बेटे 30 साल से नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, उन्हीं को देंगे, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। आप क्यों वोट दे रहे हैं? कोई एक ऐसी खूबी बताएं जो आप कहते हैं कि ये किसी और में नहीं हो सकता। हम शुरू से शेर को ही मोर लगाते हैं और लगाते रहेंगे जी। ऐसी खूबी बता देना एक। दिल मानता है। अच्छा, मुल्क का फैसला होने जा रहा है बेहतरीन तरीके से, 8 फरवरी को वोट डलेगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह, किसको वोट डालने जा रहे हैं? नवाज शरीफ को। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ आता है तो महंगाई खत्म होती है। ये इमरान खान ने क्या किया है? महंगाई महंगाई की है, हर चीज महंगी है, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, क्या चीज सस्ती है? नवाज शरीफ ने सस्ता कर दिया। हाँ, नवाज शरीफ करेगा इंशाल्लाह सस्ता। इमरान खान कहता है 3.5 साल कोरोना रहा है, उनको सारी जिंदगी का रोना है। जब से तू आया रोना ही रोना है खान, जब से तू आया जिंदगी में रोना ही रोना है। नवाज शरीफ आएगा तकदीर बदलेगी इंसान की, जिसने मुल्क के लिए सारे काम किए हैं। क्या काम किए? उन्हें क्या काम किए? सड़कें बनाई, सब कुछ किया मुल्क के लिए, क्या क्या कुर्बानियां ली नवाज शरीफ ने। आपके सर के ऊपर लंगर खाना है, पनाह गाए, आपने फायदा नहीं उठाया। कौन सा लंगर खाना है? हमने क्या करना लंगर खाना? अल्लाह दे रहा है ना खाने को। हमने जब आएगा नवाज शरीफ तो खाएंगे सारे लज के। हाँ, सब लज के खाएंगे जब नवाज शरीफ आएगा, जब साहब की सुनी जाएगी, ये मजदूरों की सुनी जाएगी, आवाम की सुनी जाएगी। हर इंसान घर में परेशान है, हर चीज़ तो महंगी की हुई। इमरान खान साहब ने क्या सस्ता किया? इमरान खान साहब ने सिर्फ बातें ही बातें रखी हुई इमरान खान साहब ने। अगर नवाज शरीफ की जगह किसी और को वोट डालना पड़ जाए तो किसको डाले? नवाज शरीफ को ही डालेंगे। वोट किसका? नवाज शरीफ का। क्यों? नवाज शरीफ अच्छे काम करता है, और क्या है। महंगाई इतनी नहीं थी जब ये दौर जा रहा है, टके टोकरी काम हो गए हैं, बहुत तंग आए हैं आवाम से, ठीक है। तो नवाज शरीफ के जब वो थे ना, इतनी महंगाई नहीं थी, आटा इतना महंगा नहीं था, चीनी इतनी महंगी नहीं थी, घी इतना महंगा नहीं था, गरीब आदमी एक टाइम की खाना खा सकता था, अभी खाना नहीं खा सकता। क्यों? कि ये हमारी हुकूमत सही नहीं है। अच्छा, वो इमरान खान ने जो लंगर खाना बनाया है, खाना तो खुला है वहाँ? खाना खुला है, लेकिन वो वाम से इकट्ठा करके खिला रहे हैं ना, अपनी जेब से तो थोड़ा ही खिला रहे हैं, वो वाम से इकट्ठा करके खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वोट किसका सर? मेरा वोट है जी PTI को। अच्छा जी सर, आपका? PTI के अलावा वोट नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। वोट सिर्फ आप जो गैरतमंद है वो वोट इमरान खान का है। वोट किन उभारे?
वोट तो सोचे नहीं किसी पाने के बारे सोचो मुल्क की तकदीर बदलनी है 8 फरवरी नू 8 फरवरी नू बदलनी है जो अच्छा लगेगा पा देंगे वोट कौन चंगा लगता मेरे हिसाब से तो नवाज शरीफ अच्छा साहब उन्होंने होना है पहले भी वही अच्छा फैसला करते हूँ भी अच्छा करेंगे पहले की चंगे फैसले किए ने उन्होंने जोड़ महंगाई घट हैगी सी हाँ एल पी जी गैस इन्नी सस्ती सी हूँ हर चीज़ इन्नी महंगी है आटा महंगा है घ्यो महंगा है दाला सवेरे जाइए सौदा हर चीज़ महंगी हो जाती रोजाना महंगाई हो जाती है समझ नहीं लगती पी मेरी गल सुनो तू आटा दाल चीनी लिया की लोड़े लंगर खाना बनाते हुए नहीं अल्लाह तला ने हाथ दिते अस कमा के खाने वाले बंदे हैं लंगर खाना तो कम नहीं आया नहीं असं तो यहोजे लोग है असं अपनी मेहनत ना कमा के खाने वाले हैं असं अपने हाथ पैर साढ़े कायम है अल्लाह तला ने सू हिम्मत दी अभी आप ही कमा के खाने वक्त घर अपना किराए साडा अपना घर है हाँ जी शेर कोई डालोगे वो ठीक है पहले बीमार था ठीक था अभी ठीक है वोट किसको डाल नॉन लीग को क्यों ठीक है वो क्या ठीक है वो पहले भी चल रहा था कारोबार चल रहे थे लोगों के ये तो अब दो तकरीबन 1.5 साल से बिल्कुल फ्लॉप हुआ हुआ है ना कारोबार है ही नहीं हाँ ये किचन के दौर में था हाँ उसके दौर में चल रहा था बेशक कैसे भी थे लेकिन रात को ना घर में दिहाड़ी भी देते थे और बर्गर भी खाते थे अब कोई चक्कर नहीं अब तो किचन ही चल जाए बहुत मसला है तो वो ठीक थे वो पहले भी ठीक थे चला रहे थे सिस्टम को ख्वाहिश क्या रखते हैं आगरा वजीर आजम कौन हो नवाज शरीफ साहब हो शहबाज शरीफ साहब हो सर वोट किसका है मियां नवाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसको वोट डाल रहे हैं वो हमारे बड़ों का मामला है हमारे बड़े जहाँ भी वोट देंगे वहीं हमने देना है हम तो बड़ों के पीछे चलते हैं हाँ जी जहाँ माँ बाप चलेंगे वहीं हमने चलना है वोट किन पा रहे हो असि नवाज शरीफ क्यों पा रहे हो बस साड़ी मर्जी की मर्जी है लाइक कोई गल तो दसो ना बस वजह ही है ना बस ये मुस्लिम लीग ने शुरू से ही हाँ मुस्लिम लीग की कोई खूबियां दस दो कि असी भी कहिए कि असी भी वोट पा देंगे खूबियां थोड़े काम कराए ने मुस्लिम लीग ने मोटर बनाई है मेट्रो बनाई सारे काम उन्होंने कराए ने नवाज साढ़े काम आँदी साढ़े काम भी आएगी इन चल क्यों नहीं साढ़ी हुकूमत है कि आएगी काम जेडे लंगर खाने पनाहगाह बनाई है ओदा की करना ओदा भी चलता पे है ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੱਕਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ ਜੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਹੈ ਜੀ ਗਰੀਬ ਕੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਕੇ ਲਈ ਐਸਾ ਕਿਆ ਕੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਉਸ ਕੋ ਡਾਲਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਅਭੀ ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਉਮੀਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਹੋਗੀ 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 ਜੀ ਆਪਕਾ नवाज शरीफ को आप यंग होके नवाज शरीफ को वोट डाल रहे हैं बुजुर्ग तो मैंने देखे हैं क्यों डाल रहे हैं वो अच्छे हैं इसलिए डाल रहे हैं उनको बहना वो इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनके जो जब भी इलेक्शन में जीतते हैं ना तो हर चीज़ सस्ती में रेंज में होती है ये महंगाई का दौर बहुत ज़्यादा है इसलिए उनको वोट डाल सर वोट किसका है शेर शेर क्यों उन्हें मेट्रो बनाई उन्हें ट्रेन बनाई वो हमारे लिए सपोर्ट करते हैं लंगर खाने थे पनाहगाह बनाई वो सब कुछ शेर शेर है वहाँ फैमिली लेके जाएं लंगर खाने जो बने हैं तो वहाँ सब फैमिली लेके जाएं कहते हमने गरीब के लिए बनाई है पाकिस्तानियों के लिए बनाई गरीब के लिए किसके लिए बनी है मेरे लिए बनी है मेरी फैमिली के लिए तो नहीं बनी हम लाइनों में लेके बैठे उन्हें आप खुद समझदार हैं मियाँ साहब के दौर में ना महंगाई नहीं थी घर में बैठ के सब अच्छा खा रहे थे अब महंगाई है सब 11 कमाने वाले ना 11 ही परेशान हैं वो भी पूरा नहीं हो रहा तो लंगर खाने से हमने क्या करना है बनागा यही कह रहा हूँ पूरी फैमिली लेके जाएं कल्ले बंदे के लिए कोई मुसाफिर आ गए उसके लिए हमारी फैमिलियों के लिए वो चीज़ें नहीं नवाज शरीफ ने ऐसा क्या किया जो पूरे खानदान चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई नहीं थी आप ये देखें ना पाकिस्तान में कितने काम हुए हैं उनके सारे काम निकालें पीछे पाकिस्तान में क्या कोई काम नहीं है किसी हुकूमत ने किया किसी भी लीडर ने किया कोई काम उन्होंने 4 हुकूमतें की हैं ना तो 9.5 साल काम करने को मिला उन्हें और 9.5 साल में सारे काम आपको नज़र आएंगे उनके मोटरवे भी नज़र आएगी ये चीज़ें भी नज़र आएंगी हर चीज़ नज़र आएगी महंगाई भी और खुशहाली भी उनकी हुकूमत के बाद खुशहाली कहाँ है कहीं भी खुशहाली नहीं है कारोबार ठप है हर चीज़ ठप है सर वोट किसका पीटीआई का वोट किसका
इमरान खान का वोट पीटीआई। आप बताएं जरा इमरान खान ने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया है। एक मिनट सर बताएं ना क्या किया। हेल्थ कार्ड, सियात कार्ड, ये पनागा किसने, नवाज शरीफ ने बनाई है। पनागा में आप रहे? नहीं। आप रहते हैं? मैं रहा नहीं हूँ। पाकिस्तानियों को चाहिए, हमारी जो कौम है ना पाकिस्तान की, वो रोड मेट्रो इस चीज पे मुतहिद है कि जो रोड बना के दे सारा कुछ। मैं कहती हूँ ना हमारा अच्छा लीडर है जो हमारे लिए। आज आप कैमरे के सामने लानत भेजे मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो मोटरवे पे, कहे मैं आज के बाद इतना गैरतमंद हूँ, मैं नहीं इस्तेमाल कर। आज जिस दिन से ये जमीन उनकी नहीं है, ये फर्श बना जमीन उनकी। आप कहे आज के बाद बाइकॉट। बाइकॉट है? मैंने तो सफर नहीं किया, मैं साइकिल मेरी वहाँ मेरी बुक। आपने कहा आपने सफर किया? पहले सर यूटर्न ले गए आप? पहले किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया। नवाज शरीफ क्यों? उसने मुल्क को तरक्की दिया है, मोटरवे बनाया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं। इन्होंने क्या किया था 5 साल में? इन्होंने जो दो वादे किए थे उसको भी पूरा नहीं किया। तो इमरान खान ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और पता नहीं क्या किया, बड़कियाँ मार रहे थे, तो सिर्फ नाच गाने के सिवा कुछ नहीं था। और जी नाज़रीन, इस वक्त हम हल्का 130 तातर दरबार मौजूद थे और यहाँ के लोगों से हमने राय जानी कि वो वोट किसको डालने जा रहे हैं, नून को या जनून को। यहाँ पे लोगों की ज़्यादातर राय ये है कि नवाज़ शरीफ जो है वो अगले वज़ीर आज़म होने चाहिए, क्योंकि महंगाई पर वो करते हैं कंट्रोल और कारोबार में वसी इजाफा होता है। इस वजह से गरीब आवाम की आवाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के कागजात नामज़द भी यहाँ से जमा हुए और मंजूर भी हो गए। आप भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगा कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मेजॉरिटी जो है उसका ये कहना था कि हम वोट नहीं डालेंगे और कुछ लोगों का ये कहना है कि हम वोट डालेंगे तो सिर्फ इमरान खान को। अपनी कीमती राय से लाजमी आगा कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।